और सीधे आपको लिए चलेंगे प्रियंका गांधी इस वक्त। रिसोर्सेज को लगवाने के बावजूद भी इतना बोझ आ रहा है कि संभला नहीं जा रहा है, तो इतनी इतनी भयावह स्थिति है। इस समय हम सबको, पूरे देश को एकजुट होकर इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा, और चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, चाहे किसी भी व्यापार में कुछ भी हो, जिस तरह हर तरह से हमें मदद करनी चाहिए। हर जने को अपने स्तर पर जो भी वो कर सकता है किसी और की मदद करने के लिए, किसी और के लिए सपोर्ट बनने के लिए, वो हमें करना चाहिए। तो मैं तो सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो दिन रात काम कर रहे हैं, उनकी भी परिस्थितियां बहुत ही मुश्किल हैं। उनके परिवार भी उनके बारे में बहुत ही वरिड होंगे, और मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, और सब उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आज फ्रंट लाइन्स पे इस देश के लिए लड़ रहे हैं। और मैं देशवासियों को कहना चाहती हूँ कि हम सब आपके साथ हैं इस लड़ाई में, हम इकट्ठे हैं, साथ हैं, और हम पूरी तरह से जो भी कर सकते हैं आपकी मदद करने के लिए मौजूद हैं। हौसला रखिए, सबके सामने एक बहुत बड़ा संकट है इस समय। जितना पॉजिटिव रह सकते हैं, जितना हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को जितना हम हौसला दे सकते हैं, उतना ही अच्छा रहेगा सबके लिए, और ऐसे ही हम इस महामारी का सामना कर सकेंगे। मैम, ये पहली वेव जो है वो दूसरी, पहली वेव जब निकल के गई और अब दूसरी वेव जो आई है, ये और ज्यादा घातक है। मौत का आंकड़ा पड़ रहा है, लगातार 2.5 लाख 3 लाख तक जो है केसेस पहुंच रहे हैं, और डबल अटैक कर रहा है ये वायरस। तो तैयार होके आया है, क्या लगता है आपको कि सरकार की तैयारी नहीं रही, या तो हम डिफेंस अपना नहीं जो रख पाए, और स्थिति आज इस तरीके की है कि लोगों को बिना ऑक्सीजन के सड़क पर बैठना पड़ रहा है, एम्बुलेंस के अंदर लोगों की मौत हो रही है, दहलीज तक पहुंच के अस्पताल की वो लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा। देखिए, आज देश भर से रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, हॉस्पिटल के बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, सब जगह से यही रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब अगर हमने ठीक तरह से प्रेपरेशन किया होता, अगर हमने तैयारी की होती, तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में हमारे पास कई महीने थे कि हम इसके लिए हम तैयारी कर सकते थे। कैसे? देश, हमारा देश जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। इंडियाज प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर ऑक्सीजन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने के माध्यम, उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई गई है। आपके पास 8-9 महीने थे, आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेस कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। आपके पास समय था, आप ये सुविधा बनवा सकते थे, वॉर फुटिंग पर करा सकते थे। आज स्थिति ये है कि हिंदुस्तान में मात्र 2000 ऐसी ट्रकें हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी ये है कि देश में ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा है। आप रेमडेसिविर को देखिए, रेमडेसिविर आज एक एक जना मांग रहा है, ढूंढ रहा है कि कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी। 1.1 मिलियन रेमडेसिविर इंजेक्शंस वर एक्सपोर्टेड, 1.1 मिलियन रेमडेसिविर के इंजेक्शन का निर्यात हुआ है हिंदुस्तान से पिछले 6 महीनों में, और आज हमारे पास कमी है। आप वैक्सीन्स को लीजिए, सरकार ने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की है पिछले 6 महीने में, ज्यादा पिछले 6 महीने में नहीं, जनवरी से लेके मार्च तक 6 करोड़ एक्सपोर्ट हुई है हमारे हिंदुस्तान से वैक्सीन्स। और उसी समय में 3 से 4 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन दी आपने, तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा, आपने उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी, अपने पीआर में आप पड़े रहे। और हमें हर हर रोज टीवी पे दिख रहा था कि मॉरिशस जा रही है, नेपाल जा रही है वैक्सीन, आपने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की
और हिंदुस्तानी लोगों को आपने 3 से 4 करोड़ तक उसी समय में आपने सिर्फ उतना वैक्सीन दिया, आज वैक्सीन की कमी है। तो वैक्सीन की कमी किस लिए हो रही है? बैड प्लानिंग। रेमडेसिविर की कमी किस लिए है? बैड प्लानिंग या नो प्लानिंग। ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रेटेजी नहीं। बेड्स, आपको मालूम था कि ये दोबारा वेव आएगा तो आप टेम्पररी बेड्स क्यों नहीं बनवाए? आपने अपने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई? आपने फोकस क्यों नहीं किया इन चीजों पे? तो ये तो एकदम सरकार का ही फेलियर है। और किस चीज में व्यस्त हैं? आज भी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, स्टेज पे जाकर हंस रहे हैं। मैम यही बात, जन जहां से भी रिपोर्ट आ रही है लोग रो रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हमारी मदद करिए, कहीं ना कहीं से हमें दवाइयां दिलवाइए, ऑक्सीजन दिलवाइए, बेड दिलवाइए, और आप बड़ी बड़ी रैलियों में जाकर हंस रहे हैं। हंस कैसे सकते हैं?